आजमगढ़ से है, जहां इन दिनों भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ की तरफ से गरीबों के लिए लगातार खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। निरहुआ के सहयोगी अभिनेता संतोष श्रीवास्तव द्वारा आज भी जिला प्रशासन को जरूरतमंदों की आवश्यकता के लिए अनाज दिया गया। संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दिनेश यादव द्वारा गरीबों की मदद के लिए निरंतर मदद हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आजमगढ़ सांसद की, तो अखिलेश यादव ने अभी तक आजमगढ़ वालों की सुध तक नहीं ली। ऐसे में फिल्म स्टार निरहुआ आजमगढ़ के लोगों के दिलों में अपनी अलग छवि बना रहे हैं। दिनेश लाल यादव के प्रतिनिधि संतोष यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों के लिए छोटी सी भेंट है जो जिला प्रशासन को दी गई, जिससे गरीबों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि दिनेश लाल यादव सच्चे देशभक्त हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे, हर संभव मदद जारी रहेगी। इस मौके पर संतोष श्रीवास्तव के साथ अजीत कुमार पांडे, सर्वेश सिंह और कई समाज से भी उपस्थित रहे। अब मजे की बात यही है कि देखने वाली बात होगी कि सांसद अखिलेश यादव आजमगढ़ वालों के लिए क्या। मैं संतोष श्रीवास्तव सहयोगी हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का, और आज निरहुआ जी के माध्यम से 10 बोरी अरहर की दाल आज हम लोग जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक हफ्ते का राशन जिला प्रशासन को 100 व्यक्तियों का सौंपा था। साथ ही साथ हम लोग अपने माध्यम से भी, अपने बूथ अध्यक्षों के माध्यम से भी है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, परमपूज्य महाराज जी की सोच है कि कोई परिवार भूखा ना रहे और एक बूथ अध्यक्ष 10 परिवार की व्यवस्था करे, उस व्यवस्था में भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं बूथ अध्यक्षों के माध्यम से भी, हर मोहल्ले में अपने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी हम लोग जा रहे हैं। गांव-गांव में क्या आप लोग? गांव-गांव में हमारा ये हर बूथ अध्यक्ष, हमारा जो बूथ अध्यक्ष है असली हीरो हमारा वही है, उसी के माध्यम से हम बूथ अध्यक्षों के माध्यम से हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम राशन, एक हफ्ते का राशन मुहैया करा रहे हैं, और साथ ही साथ अनवरत ये प्रयास निरहुआ जी की तरफ से जारी रहेगी। ठीक।